Dear students, today we have to start 10th class math, unit 1, exercise 1. इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। और 10th क्लास तो पूरा पाकिस्तान इससे मुस्तफीद हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 पार्ट 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसका तरीका कार ये होता है, पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है उसको इस तरह से फैक्टराइज करते हैं कि प्लस माइनस करें तो दरमियान वाला नंबर आए, मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट बना था वही आना चाहिए। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20 का क्या प्रोडक्ट बनता है, माइनस 20 एक्स स्क्वायर बनता है, वी हैव टू फैक्टराइज इट। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर बनते हैं। माइनस 5 प्लस 4, माइनस 5x प्लस 4x को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 एक्स स्क्वायर बनता है, माइनस करते हैं तो माइनस x बनता है। फर्स्ट पेयर में से कॉमन लेंगे x इंटू एक्स माइनस 5, प्लस सेकंड पेयर में से कॉमन लेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, होल में x माइनस 5 कॉमन है इनटू x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू माइनस 4, ये x की वैल्यूज निकल आई। क्वेश्चन नंबर 3 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है और क्वेश्चन है 7x स्क्वायर प्लस 2x, 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वी हैव टू सॉल्व इट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में c जो होता है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ये जो ax स्क्वायर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर होल स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने 7 कॉमन लेना है, 7x स्क्वायर ओवर 7, 2 बाई 7x इक्वल टू 1 बाई 7, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 7, एक्स इक्वल टू 1 बाई 7, वी हैव टू कंप्लीट दिस स्क्वायर, एक्स होल स्क्वायर 2ab, 2 फॉर्मूले का हो गया इंटू एक्स। नाउ अब हमने गौर करना है कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 2 बाई 7 एक्स भी कंप्लीट हो जाए और हमारा स्क्वायर भी कंप्लीट हो जाए। 1 बाई 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 ओवर 7 एक्स स्क्वायर कंप्लीट होता है। ये 1 बाई 7 बी स्क्वायर की जगह पे हमने 1 by 7 square equal to 1 by 7 plus 1 by 7 square कर देंगे both sides पे, ताकि question square भी complete हो जाए और condition भी बरकरार रहे question की। Now x plus 1 by 7 square, ये whole square बन गया, x plus 1 by 7 square equal to 1 by 7 plus 1 by 49, solving right hand side 49 LCM 7 7 49 7 1 7 plus 49 1 49 1 8 by 49, x plus 1 by 7 square, x plus 1 by 7 square taking under root on both sides,
x plus 1 by 7 square equal to 8 by 49 under root. स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाया करता है, x प्लस 1 बाई 7 इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 7. नाउ 1 बाई 7 को हमने दूसरी साइड पे ले जाने हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 7 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 7. Now taking LCM, x is equal to 7 LCM, 7 1 7 minus 1 plus minus 7 1 7 2 under root 2 से multiply होगा 1 2 under root 2, that is solution set. X is equal to minus 1 plus minus 2 under root 2 over 7.